दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले T20 मैच के 18वें ओवर के दौरान जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस समय वेस्टइंडीज के गेंदबाज ओबेड मैकाय के पास तीसरी गेंद पर आर अश्विन को रन आउट करने का मौका था, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था और उन्होंने आसान सा रन आउट नहीं किया। बता दें कि अश्विन क्रीज से काफ़ी दूर थे और वे आसानी से रन आउट हो सकते थे, लेकिन रिप्ले में देखने से पता चला कि मैकाय ने छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब गेंद उनके हाथ में थी तो उस समय अश्विन क्रीज से बाहर थे। दोस्तों, मैकाय ने ऐसा क्यों किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी नई और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।